और ये इस शहर के ऐसे ठेकेदार बने हुए हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे शहर का वोट ये खुद दिला देंगे जिसको चाहेंगे उसको, और ये 10 वोट 20 वोट खुद के इनके बोलने पे किसी कोई देने वाला नहीं। और जिस तरीके से ये इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसा लगता है कि इनका सौदा हो चुका है, और ये इसके पहले भी मुजफ्फर हुसैन के चुनाव में भी इन लोगों ने अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से इनको सुपारी दी गई है, तभी तो इस तरीके का इंटरव्यू दिया जा रहा है ना। अगर ये पार्टी के देखो जो 10 वोट जिनके बोलने पे नहीं मिल सकता उनके बोलने से कैसे टिकट तो ऊपर से डिक्लेयर होगा ना मेरे भाई। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहां पर सेल भी होती है जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस है, मंडई, 3 बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आज हमने सुबह से देखा कि कांग्रेस पार्टी भिवंडी की जो लगातार एक से दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये चीज़ बताना चाह रही है कि कांग्रेस को एमपी के इलेक्शन में टिकट मिलना चाहिए, तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये पब्लिक में से है, इनसे ही हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुअज्जम खान, मैं यहाँ से सोशल वर्कर हूँ। सोहेल भाई, अभी जैसे कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लीडरों ने इंटरव्यू दिया, हमारा ये कहना है कि पार्टी का जब अलायंस है, पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो वो हाई कमान से डिक्लेयर होता है, तो इस तरीके से इंटरव्यू इन लोगों से शोभा नहीं देता। और ये इस शहर के ऐसे ठेकेदार बने हुए है कि ऐसा लगता है कि पूरे शहर का वोट ये खुद दिला देंगे जिसको चाहेंगे उसको, और ये 10 वोट 20 वोट खुद के इनके बोलने पर किसी कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी और शरद चंद्र पवार जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो इस तरीके का इंटरव्यू शोभा नहीं देता है। बालिया मामा ने भादौड़ में बीच में स्पीच दिया कि अगर कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर होता हाई कमान से तो मैं कांग्रेस का काम करने के लिए तैयार हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जैसे इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि तुतारी पब्लिक में, सुनो तो पब्लिक में नहीं पहुंच पा रही है, पब्लिक जो चुनाव चिन्ह निशान है, निशान है, नहीं पहुंच पा रहा। आज सोशल मीडिया इतना वो है कि कोई चीज किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद पता चल जाती है। टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सब बोलने की बातें है। और जिस तरीके से ये इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसा लगता है कि इनका सौदा हो चुका है, और ये इसके पहले भी मुजफ्फर हुसैन के चुनाव में भी इन लोगों ने इसी तरह का इंटरव्यू दिया था, तो ऐसा ही शहर में चलते रहता है। तो हमारा ये कहना है कि बालिया मामा को ही टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर से पार्टी किसका भी टिकट डिक्लेयर करती है हम उसका काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके का इंटरव्यू आ रहा है तो हम लोगों को तकलीफ हो रही है। तो जिस तरह से बाला मामा ने आप बता रहे कि स्टेटमेंट दिया था कि अगर कांग्रेस को टिकट जाता है तो वो खुल के समर्थन देंगे कांग्रेस का, मगर एक चीज हमने ये देखी कि कांग्रेस का कोई नेता और या कोई पदाधिकारी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि अगर शरद पवार गुट को अगर टिकट जाता है तो वो कांग्रेस जो है उनका सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो सोहेल भाई, ये इंटरव्यू से समझ में आता है कि जो पार्टी के पद अधिकारी है हाई कमान से कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा है। अभी जैसे इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बाल्या मामा कितनी पार्टी छोड़ के वापिस आ रहे हैं, ठीक है, पार्टी में बहुत से लोग आते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऐसे देखो कि जो प्रेसिडेंट है वो पिछली मरतबा समाजवादी फिर आजाद, तो वो भी आए गए, लेकिन ये सब कहने की बात है। अभी मुद्दा क्या है कि पार्टी किसको टिकट देती है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, पार्टी हाई कमान जिसको भी टिकट देती है हम उसका काम करेंगे। हाई कमान से जब फैसला आने वाला है तो ये लोग हर 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, कांग्रेस की जो जिस तरह से हर 2 घंटे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हर पदाधिकारी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो इस पे क्या कहना है आपको? अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से इनको सुपारी दी गई है, तभी तो इस तरीके का इंटरव्यू दिया जा रहा है ना। अगर ये पार्टी के पक्ष के लोग होते या पार्टी का अच्छा सोचते या हाई कमान के हिसाब से चलते तो ये इंटरव्यू ही नहीं देते। ये सोचते कि जो भी आला कमान का आदेश आएगा हम उस पर काम करेंगे,
चाहे वो बालिया मामा को पार्टी टिकट दे, चाहे वो दयानंद चोरगे को टिकट दे। अगर ये लोग जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमको कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए, तो इससे क्या लगता है आपको टिकट मिल जाएगा? देखो, जो 10 वोट जिनके बोलने पे नहीं मिल सकता, उनके बोलने से कैसे टिकट तो ऊपर से डिक्लेयर होगा ना मेरे भाई। तो इस शहर की आवाम सब जानती है, बाकी लोग बुला के कुछ भी इंटरव्यू दे, पब्लिक सब जानती है। और जनता की आवाज़ सिर्फ बालिया मामा है। फर्क क्या पड़ता है सोहेल भाई, कैंडिडेट पब्लिक को पसंद होना चाहिए। आप किसको भी टिकट दिलाने का डिमांड करो, आप जनता से पूछ लो, देख लो। और मैं पूछूंगा जनता से, मगर जिस तरह से बालिया मामा का एक आप बता रहे हो कि टिकट उनको मिलना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि कंफर्म हो जाएगा बालिया मामा का? एक हम आवाज़ उठा सकते हैं, बाकी पार्टी जो भी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी बालिया मामा का, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कितना बड़ा दिल करके बोला मंच से कि अगर कांग्रेस का टिकट, आप बालिया मामा के समर्थक तो नहीं ना? समर्थक नहीं, हम एक आवाम है, हम भी यही बोल रहे हैं ना। जिस तरह से स्टेटमेंट आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं ना बाद में कि पार्टी जिसको डिसाइड करेगी, चाहे कांग्रेस का सिंबल हो चाहे किसी का भी, हम उसको वोट देंगे, लेकिन जनता की जो पुकार है वो बालिया मामा है। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा? 100 की एक ही बात है कि बालिया मामा को टिकट दिया जाए, जनता उनके फेवर में ही है। जनता फेवर में दे, 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 कुछ कहना चाहेंगे भाई आप इस मामले पे? हमारा भी यही कहना है कि बालिया मामा को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि सबसे अच्छे कैंडिडेट वही है हमारे लिए। और इसमें नीलेश सांबरे भी रेस में, आप नीलेश सांबरे के बारे में कुछ नहीं बोला? नीलेश सांबरे के बारे में इसलिए नहीं बोल रहे, वो भी मेरे को, हमको ऐसा लगता है कि सब ये बीजेपी से इनकी साठ गांठ है, ये सब डमी कैंडिडेट है। और जब चुनाव होगा पब्लिक को सब समझ में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता है। बाकी देखा आपने किस तरह से पब्लिक का जो एक ओपिनियन था, हम ये लेने की कोशिश करें कि क्योंकि हम आज सुबह से हम देखे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी और लोग जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मांग नहीं कर रहे हैं कि टिकट उनको मिलना चाहिए, टिकट मिलना हमको मिलना चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि किसे टिकट मिलता है और कौन यहाँ पे चुनाव लड़ता है।